फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं इंस्पेक्टर चारुल मलिक एंड यू नो वेरी वेल कि मैं आती हूं एकदम टाइम पर, बट आई हेट पीपल जो लेट आते हैं। हापू सिंह कहाँ है? दारोगा जी कहाँ है? अरे अरे यार, अरे यार तुम पागल हो क्या यार? अरे कौन की बिटिया भाग गई? अरे तो भाग गई तो यार हम क्या करते हैं? हमारे तो ससुर खुद नौ नौ ठैया बच्चा है, प्रेग्नेंट बीबी है, अपनों देखे की दुनिया की ससुर बिटिया देखे। हापू सिंह, पूरी दुनिया की टेंशन तुम्हें ही है क्या? बस टाइम पर क्यों नहीं आते हो? अरे डंडा नीचे कर लो, डंडा हम क्या करें? तो दुनिया भर की इतनी मतलब चुल्ल पुल्ल मची है, हम क्या करें? किसी को केस सॉल्व करें? आप तो इतने बैठी हो बस। और हमारे एक बात तो बहुत दिमाग खराब है कि देखो थानेदारनी जी, बात ऐसी है, एक तो आज सोचो वो अपनो बसंत पंचमी है, राइट, और आज तो इनको भी ने छावर मिल जाती है सुबह सुबह से। छावर के बारे में सोचते रहना, दर्शकों को सरप्राइज करना है सबसे पहले, वक्त पर, लेट हो जाएंगे नहीं तो। अरे क्या बताएं, हमने जिंदगी में उधार में पान खा हुआ है। चलो कैमरा लगू है? हाँ। कैसे लग रहे हैं? ठीक, बहुत अच्छे लग रहे हो। सबसे पहले देखते हैं सरप्राइज, फिर इनकी क्लास लेते हैं। सुनो हापू सिंह, ध्यान से सुनना, राम सिंह, घनश्याम सिंह, सुरेश, सबको रेडी कर लो, हमें आज जाना है हैदराबाद, सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखना है हमें। अरे आप भी कमाल करती हो, अब इतने अच्छे कहाँ से खड़े, हैदराबाद कहाँ के लाने जाने? सी और राम का शुभ विवाह हो रहा है और रॉयल शादी है, ऐसे में सिक्योरिटी अरेंजमेंट मॉनिटर हमें बहुत अच्छे से करने हैं, नाक मत कटाना मेरी आज। जवाब तो आपने बहुत बढ़िया कही, शादी की है सिया और राम। ओहो बहुत बढ़िया बात बता रही आपने। खैर शादी से हमें भुइयां कछु नहीं लेने, जी की शादी जी से होने होए, ससुर हो जाए, हमें तो ऐसा लग रहा है तो वो टेपे अच्छी निछावर मिल जाएगी ससुर। हमेशा निछावर की बात करते हो, सुनो शादी का खाना कम खाना। अरे काय ना लेने छावर, काय ना ले, हमारे ससुर नौ नौ ठगे बच्चा आएंगे, प्रेग्नेंट बीबी आएगी और हम तो ठीक है, लेकिन मतलब जो आपका है छोड़ो। चलो चलते हैं, अभी बात है बाद में, काम ज्यादा। हापू सिंह जी, अब एक काम कीजिए, बिना न्योछावर लिए जल्दी से विशेष दे दीजिए। ऐसा है, बिना निछावर के हमसे कुछ ना हो पाएगा। वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरे साथ अगर आपको रहना है ना तो आपको ये अच्छी अच्छी आदतें सब डालनी पड़ेंगी, ओके? और वैसे हम आपको दिखाने वाले हैं एडवांस में वैलेंटाइन स्पेशल की झलक, यानी कि टीवी इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। You'll be excited to see this. और अगर इसको कॉपी करने की कोशिश की ना तो सीधे अंदर कर दूंगी और फिर आपकी पिटाई करेंगे हमारे दारोगा जी, हप्पू जी, केस ठोंक देंगे हम। हप्पू सिंह बताइए, आज कौन सा दिन है? बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज। का है गो? देखा, मुझे पता था तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, तुम मोटे पेट वाले गजनी बन गए हो, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। बहुत टेंशन है दुनिया में। का है? आज हग डे है, जादू की झपी वाला दिन, गले लगाने वाला दिन। मतलब आज का हम अगर ड्यूटी से फ्री हो जाएंगे तो गोरी मैम हमें गले लगा लेंगी का? तुम्हें ड्यूटी से मैं फ्री नहीं करूंगी और ये तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। वैसे जो नैतिक और अक्षरा है ना, वो मियां बीवी है ना। अच्छा, नैतिक ने अक्षरा को गले लगा लिया है। अरे आप भी क्या, आपने बिल्कुल चिरांत पने की बात कर दी है। क्यों? अरे आदमी खुद की बीवी को गले लगाते हुए का, हमने अपनी बीवी को आज तक गले नहीं लगाओ। हाँ तो हम जो कह रहे हैं कि ऊपर से कॉल है। अरे जो कोई है बार बार ऊपर से फोन कर रहा है यार। तो कमिश्नर साहब का कॉल है, तुम्हारी नौकरी जाएगी और मेरी भी जाएगी, चुप रहो थोड़ी देर। जैन साहब। हेलो, यस सर। हाँ हाँ, वो हापू सिंह है, पता नहीं क्या बोल रहे थे, मैंने आपकी बात सुन ली सर। यस सर, हो जाएगा काम, थैंक यू। कमिश्नर साहब का फोन था और तुम इतनी जोर से बोल रहे थे, बातें इतनी करते हो। सुनो अब जल्दी से ना टशनेश के सेट पर निकल जाओ, युवराज की अकल को आज ठिकाने लगाना है। ये जो हमारे थाने के दारोगा जी है ना, इनके बारे में एक अच्छी बात आज हम आपको बताते हैं। ये कितने भी न्योछावर ले लें, कितने भी घूस खा लें, पेट मोटा कर लें, लेकिन एक बात इनमें बहुत अच्छी है, ये खुद बताएंगे आपको। थानेदारनी जी, ऐसा है हम सतत दुनिया में कछु भी बर्दाश्त कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो है औरतों पे अत्याचार। ये तो तुमने पते की बात कही, आई एम प्राउड ऑफ यू। वैसे आपको पता है कौन औरत किस औरत पर अत्याचार कर रही है? अरे सीरियल साथ निभाना साथिया में जो नकली फर्जी वाली कोकिला है ना, वो गोपी बहू पर अत्याचार कर रही है। हैं? हाँ। अरे जो अत्याचार हम नहीं देख सकते, ससुर लौंडा लपाड़ियां को कब करने? बिल्कुल, कहाँ है कोकिला बहन बताओ। एक पुलिस इंस्पेक्टर को होना चाहिए बिल्कुल मेरे जैसा, पंक्चुअल, एकदम स्मार्ट, लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, ये जो दारोगा है, ये जो मेरे साथ में खड़े हैं हापू सिंह, ये किस मिट्टी के बने हैं?
इनकी तोन देखिए कहां जा रही है, दुनिया भर का न्योछावर लेते हैं, इनके स्कूटर में कभी तेल नहीं होता लेकिन इनके सिर में दुनिया जहां का तेल इन्होंने खुद उड़ेल रखा है, बदबू यहां तक आ रही है, दूर रहिएगा। अरे जो 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 का कह रही हैं आप, हमें हमें हम बता रहे हैं थानेदार जी, जब आपको बहुत बुरो लग गया है। अरे बुरा मत मानो, बेइज्जती को जरा पॉजिटिवली लेना सीखो। अच्छा हाँ, बेइज्जती को कोई पॉजिटिव हिसाब से कैसे ले लेगो? दुनिया लेती है ना, कॉमेडी नाइट्स बचाओ नहीं देखते हो, वहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं सब बेइज्जती करवाते हैं और पैसे न्योछावर लेकर जाते हैं। हाँ आइए आप चलते हैं। अरे फिर चलते हैं, इतने चलते हैं उतने चलते हैं। अरे कम से कम कब से बोली थी हमने चाय पीने हमें? हाँ ला भैया चाय तो ला यार, पैसे देना इनको। हाँ सब पैसे, सब पिछले वाले भी पैसे। तुम पैसे नहीं देते हो, पैसे दो उनको। अरे देते दे, 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 ससुर हमसे पैसे मांग रहे हो, हम दुनिया भर से निछावर मांग। इनका हिसाब करो, आपको ब्रेक के बाद एक पार्टी में लेके चलूंगी, चाय तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, फीकी है चाय उस पार्टी के आगे है? अरे बड़े सारे सितारे आए हुए हैं वहाँ पर। अरे सुन आ रहे हैं अभी तो, सारा हिसाब कर देंगे आज। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हापू सिंह अब तैयार हो जाओ। लो फिर से तैयार हो जाओ। अरे पूरी बात सुनो ना, पहले ही मत कंक्लूड किया करो, पते की बात बता रही हूँ। यस, जो इच्छाधारी नागिन है ना, वो सीरियल जमाई राजा वाले सिद्ध बाबू, करण टैकर, सब के सब एक साथ नजर आ रहे हैं पार्टी के मूड में। अच्छा हाँ? अच्छा एक बात बताओ। हाँ? जो इच्छाधारी नागिन को क्या मतलब होता है? इच्छाधारी नागिन का मतलब होता है जो कभी भी कोई भी रूप कोई भी अवतार ऑटोमेटिकली किसी भी समय ले ले, इच्छाधारी नागिन उसे कहते हैं। हैं? मतलब अगर जी चाहे तो हमारे लाने, मतलब दो मिनट की लाने, बस गोरी मैम बन सकती है का? अरे हप्पू सिंह तुम गोरी मैम से आगे कब बढ़ोगे, आपको और सितारे दिखाते हैं, देखिए जरा चक्का चौंध हो जाओगे देखकर, सितारों का मेला। हप्पू जी क्या हो गया, इतने टेंस क्यों हो, मैंने ज्यादा डांट दिया क्या आपको? अरे ना हम कहा बताए ससुर, इतनी खोपड़िया हमारी खराब हो गई है। हाँ? इतनी मुश्किल से दुनिया भर से निछावर मांग मांग के घर चला रही हैं, और हम वो जो ससुर छोटू लल्ला है ना ऋतिक। हाँ? और वो जो बीच की बिटिया है करीना, दो जने अपनी अपनी परीक्षाओं में एग्जाम में फेल हो गए ससुर, ऊपर से बीबी ने आके सुबह सुबह अदरक वाली चाय तक नहीं पिलाई, खरी खोटी सुना दी, बिजली को बिल भर दो, नमक ले आओ। सुनो तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया के तुम इकलौते इंसान हो जिसको सारी टेंशन है, पता है कितनी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के लाइफ में। का होगा? इशिता के बारे में सुना है, सीरियल ये है मोहब्बतें वाली इशिता? नहीं। उनकी जो क्यूट सी बेटी है ना रूही। हाँ। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और नौबत ऑपरेशन तक आ पहुंची है, और तुम अपनी बात किए जा रहे हो। अरे दादा जो का खबर सुना दी आपने, कसम से कह रहे हम, मतलब जब खबर सुनकर दिमाग ऐसा हो गया हुआ है कि हम अपनी दुनिया भर की जितनी निछावर लई है ना, जो पेट में डाली है, हम सारी निछावर बिटिया को दे देंगे, लेकिन भगवान से दुआ करते हैं कि बिटिया सही हो जाए यार। सही में ठीक हो जाए, बिल्कुल रूही ठीक हो जाए। हप्पू सिंह आज आपको मालूम है आज क्या है? आज है हक डे। जो का ऑटो है? ओहो मैं भी ना भूल गई थी कि इनको अंग्रेजी नहीं आती है, पता नहीं किसने इनको मेरे थाने में भर्ती कर दिया है, कहां कहां से आ जाते हैं। अरे हक डे का मतलब होता है जादू की झपी वाला दिन, एक दूसरे को गले लगाने का दिन। तो का आज के दिन हमें, अगर हम मोहल्ला जाएंगे। हाँ? तो हमें गोरी मैम हग कर लेंगी का? ओहो हप्पू सिंह एक तो पान खा रहे हो, ऊपर से बेकार के सपने देख रहे हो, मैं ना प्रैक्टिकल बात करती हूँ, गोरी मैम तुम्हें कभी लाइफ में गले नहीं लगाएंगी। हाँ बस आप ना जिंदगी भर ऐसी नेगेटिव बातें करियो बट। नहीं लेकिन मैं पॉजिटिव बात करने वाली हूँ, अब जो टीवी स्टार्स है ना वो आज के दिन किस किस को गले लगाने वाले हैं, अब आप गले नहीं लगा सकते ना गोरी मैम को, लेकिन आप देख जरूर सकते हैं यहाँ। हाँ हप्पू जी अब एक काम कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें चलना है सिमर के ससुराल में। ठहर जाओ हम जब से आए हैं, इतने चले जाओ उतने चले जाओ, आदमी है तो मशीन है। देखो ठाणे डांडी जी ऐसा है, अब हमारी खोपड़िया हो रही है गरम, हमारी बॉडी मांग रही है एक कप अदरक वाली चाय, वो हमें पिलवा दो, फिर जहाँ कहोगे उधर चले जाएंगे हम। अब तुमने मुझे ऑर्डर कर दिया है तो एक काम करो, चाय का ऑर्डर भी तुम्हें दे दो। हाँ। है ना? अरे सिंघानिया क्या बेटा, अदरक वाली चाय लेके आ जा फटाफट। एक बात बताओ हप्पू जी। हाँ जी। आप कभी घोड़े पर बैठे हो? अरे दादा अरे घोड़ा की बात कर रही हैं आप, हम ससुर अपने स्कूटर की रफ्तार ना देख पाए आज तक, आज सुबह में तेल ही नहीं होता है, ऐसे घसीटते रहती हैं। इतना न्योछावर जो मिलता है उसे तेल डलवा लिया करो। अरे कोई बात नहीं छोड़ो उसको, आज क्या याद रखोगे मेरा नाम लोगे बार बार, आपको मैं टांगे पर बैठाने वाली हूँ। लेकिन बामे ने छावर तो नहीं देना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो धन्नो है ना। हाँ। आएगी अपना टांगा लेकर फुल स्पीड से और फ्री में सबको घुमाएगी, सीरियल के सेट की सैर कराएगी, तो बैठ जाए। बिल्कुल बैठ जाए, धन्नो अगर मिल रही है तो हम बैठ जाते हैं। चलो
हेलो यस ओह व्हाट अ सरप्राइज रियली ही विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस ओके आई विल शेयर द न्यूज विद हिम थैंक यू थैंक्स फॉर कॉलिंग पता है किसका फोन था हाँ. अरे तुम्हारी तो लॉटरी लग गई गोरी मैम आज बुलाया उन्होंने आपको वो कह रही है हप्पू सिंह को भेजो आज मैं उसको खुद हक करूंगी अरे वाह छा गए तुम तो जी तो बहुत बढ़िया खबर बताइए भैया अब हम इंतजार नहीं कर सकते टाटा हम तो जा रहे हैं रुको 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 शो रैप करने दो मैं हमेशा कहती हूँ ना जो काम करो प्रॉपरली करो तो आप अपना प्रेशियस फीडबैक हमें भेजते रहिए हमारे ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पर इंडिया टीवी देखते रहिए हप्पू सिंह जी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम फिर मिलेंगे हाँ बाय बाय बोल दीजिए बाय बाय बहुत मजा आ गया